अल्लाह बस तू ठीक है ना के वहां यार उसे सामान वहां सेट करने के पिकनिक हो जा रहे हो गए पिकनिक का जा बड़ा वार का कैप नहीं वार का बट वाला याकूब अच्छा हां बेहतरीन बट वाला मारता हो अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरीद बलोच। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरीद बहादुर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वैसे से होंगे। आज हम जा रहे हैं पिकनिक में बहादुर से तकरीबन 25 या 30 किलोमीटर दूर नासर डगा, और एक खूबसूरत सा पिकनिक पॉइंट है। और ईद के सीज़न में काफ़ी लोग दूर दराज से आते हैं। मेरे साथ हैं सर नासर रहीम सोराबी। आज हम जा रहे हैं, सारे RCDC के दोस्त हैं, कुछ दोस्त बिशुकान से हैं, कुछ ग्वादर से, चार गाड़ी हैं, और भी हमारे दोस्त हैं, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। हमारे साथ है ग्वादर का एक वैन फेमस कुक, और हमें वहाँ पर खाना बना के देगा और आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह के खाने बनाएगा। अभी हम आ गए यहाँ पर पिशुकान में, कुछ सामान लेंगे और इसके बाद हम जाएंगे नासर डगार में। नाम कहे तो कुछ रोगे नहीं तो सारी छुते नासर डगार। भाई अभी हम आ गए नासर डगार में, अभी यहाँ पर गोश्त का सफाई कर रहे हैं। मसूद भाई एक ग्वादर का एक टैलेंटेड बंदा है, और मसूद भाई स्कॉलरशिप के हवाले से चाइना पे भी गया था 2018 के टाइम से। सितंबर 2018 किया था आपने? ऐसे एक साल का चाइनीज लैंग्वेज कोर्स था। कौन सी सिटी के चाइना में? हम लोग बीजिंग गए थे, एक साल बीजिंग में रहे। अब यहाँ पे आके गोश्त हो रहे हैं। सही ना? तो फिर चाइना में आपको जाने में क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ? फायदा हुआ, यहाँ टूर लगाए, घूमे फिरे। टोटल मतलब 50 स्टूडेंट्स जो ग्वादर से गए थे। 50 ग्वादर से गए थे, माशाल्लाह। गलती से नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया था, हमारा लग गया। अभी इमरान खान करेगा इस तरह का? इमरान खान करेगा। क्यों? इमरान खान नहीं करता। और भाई यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हैं। भाई वहाँ पर हमारा जगह है, और इस तरफ कुछ लोग हैं बाइक और अच्छे से आए हैं, और इस तरफ भी और इस तरफ भी, और ये सारे पूरे ये आप देख सकते हैं, हर जगह माशाल्लाह काफ़ी रश है। हम जाएंगे वहाँ पर, मैं कुछ लोगों को आपसे मिलाऊंगा, जाएंगे इनके पास, दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल पार्टी? बराबर है, क्या हाल है? बराबर है, अवश्य फेट है। शुमा चीज़ बनाने के बारे में ख्याल है? बिरयानी वाला है, खाए सलमान सलमान चीज चीज बना के बारे क्या के सालन तैयार हो रहा है, इसके बाद फिर इंशाल्लाह बिरयानी बनाएंगे। ज़बरदस्त भाई, यहाँ पर बलूची सब्जी बन रही है, इसके अंदर एक पूरा बकरा है, इस तरह मना डेढ़ घंटे दो घंटे तक माशिया आसद आ रहे। अच्छा, डेढ़ घंटे मैं सब्जी बनाने गए, माँ ये बनाया था, माँ तो काशी माँ कर्ज बोल रहा था, तरने कर्ज बोल रहा था, दाता जाली बनाया था, और उस तरह माँ पस दाता, और तकरीबन डेढ़ घंटे तो का ये मैं बनी। सर छो मालूम भी के शादी सड़क रास्ता है ना रास्ता? टाइमिंग है सर है ना? अच्छा, पसे माँ के उम्र हस्ती है, उम्र है मैं साबा, तो मुझे टाइमिंग दी है ना, या तिला तुमको मस्तरे पस भी मतलब उम्र बाज भी तो दो घंटा दे, तो ये ना खसाने पस भी डेढ़ घंटा दो घंटा तो दिए, डेढ़ घंटा या घंटे तो सेवा दिए गुड़ा मैं सब बनी। सलाम वालेकुम भाई, जी हाल है शुमे टैटता वशता शुमे ची बनाए ना गए भाई? तो ज़्यादातर मतलब बिरयानी बनाना चाहिए माँ नान वाले वाले मैं भी तो कहीं अकबट वाले यान इंदे शुमा बिस्मिल्लाह अर्ची मुर्ग ना मिलता बको मैं कोना रापता बेटा आओ मुर्ग भाभी आओ। सलाम अलैकुम कहते वशे बराबर है चलते वशे चल चल बराबर है वशे बिरयानी बनाने इंशाल्लाह वो कोरमा है ये असल मामू से नूपी शुरू करने गए तुम्हारे सिया मुर्गा गुना मारा मुर्गा भाई हमारे और ये पीछे सलमान जाकिर भाई और ये सलमान भाई ये हमारा फरीद भाई अभी जा रहे हैं पानी लेने भाई अभी हमारा पानी ख़त्म हो गया अभी दोबारा हम जा रहे हैं पानी लेने क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पर हम काफ़ी लोग हैं ज़्यादा तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं दोबारा पिशुकान में अभी पानी लेके आएंगे ये हमारा पिशुकान जा रहे हैं हम लोग ये अभी इस वक्त हम मौजूद हैं पिशुकान में पिशुकान एक छोटा सा साहली इलाका है और पिशुकान के हवाले से हमें कुछ बताएं
पिशकान यहाँ पे लोगों का ज़्यादा मतलब ज़रा माश माहिगिरी है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है। की तरफ से यहाँ से भी एक हाउसिंग स्कीम का भी एक प्रोग्राम हुआ है जो मामर के नाम से है और हो सकता है फ्यूचर में ये गवादर जैसा सिटी आप लोगों को देखने को मिले, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वही नारा है पानी दो बिजली दो अभी तो चल रहा है यहाँ पे। ये अभी हम दोबारा पिकनिक की तरफ जा रहे हैं, पानी हमने लिए तो उम्मीद करते हैं दोबारा पानी ख़त्म ना हो। और अभी फरीद भाई ड्राइविंग कर रहे हैं, हम पिकनिक की तरफ जा रहे हैं। ये जो रास्ता है इसको कहते हैं गन्स का रोड, इसी तरह कहते हैं। अभी ये रूट आपको बरास्ता आपको गन्स भी ले जाएगा और आपको जीवनी भी ले जा सकता है। अगर आप ईरान बॉर्डर की तरफ भी जाना चाहेंगे तो यहाँ से आप ईरान बॉर्डर की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ ला बस शोधा घेता मेरा नाम मोहम्मद याकूब है। चावल पकाता हूँ, हर किस्म का चावल आर्डर करता है। यह मकसद बिरयानी पलावा कोरमा कढ़ाई भाई हमारा बिरयानी तैयार हो गया माशाल्लाह। भैया अभी हमारा खाना तैयार हो गया। अभी हमने खाना खा लिया माशाल्लाह, खाना बहुत ही ज़बरदस्त है। बचा हुआ चावल यहाँ पर ये बकरियाँ खा रहे हैं और ये जो ऊँट है इसका फेमस यानी कि मेन खुराक इसको सबसे ज़्यादा उनको पसंद है। कीकर के जो कांटे होते हैं काफ़ी बड़े कांटे होते हैं ये कांटे हैं, देख सकते हैं कांटे किस तरह खा रहे हैं भाई। वो रहा हमारा पिकनिक का पॉइंट, वहाँ पर गाड़ियाँ आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर। मगर हमारी जगह इन गाड़ियों से थोड़ा उस तरफ है। अभी यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ इस तरफ, ये देखें माशाल्लाह ये पहाड़ कितने खूबसूरत हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर आ जाते हैं फ़ोटोग्राफी करते हैं। और ये खूबसूरत सा पहाड़ और ये तीन फादगों तीन फिलर जैसे बने हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। फरीद भाई जैसा कि आप देख रहे हैं इस जगह को, ये पहले मतलब यहाँ पर खेती बाड़ी भी हुआ करती थी, लेकिन अभी पानी ना होने की वजह से और बारिश ना होने की वजह से तो अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर आपको सूखा सूखा आपको नज़र आ रहा है। ये सब शादाब हो जाए, ये जो घर नज़र आ रहा है ये सोना है कि जो ये खेत नज़र आ रहा है इसका नाम है नासिर डगार, हमारे बलूचमी डगार खेत को कहते हैं। और ये जो घर नज़र आ रहा है ये जो नासिर नाम का बंदा था यहीं पर इसका रिहायश पजीर था, ये आप अंदर जाके देख सकते हैं। अभी यहाँ देखे इसका फर्स्ट फ्लोर भी बना हुआ है लकड़ी से, ऊपर का मंजर और यहाँ से ऊपर का रास्ता है। और जैसे कि ये सीढ़ी लगा हुआ है लकड़ी से और ये पहले वाले पुराने वाले टूट गए। सिर्फ एक हिस्सा इसका मेटल है, ये मेटल है, बाकी ये तीनों लकड़ी है। ये खिड़कियाँ थी, ये मेन डोर है और खिड़कियाँ। भाई अभी एंड है, अभी हम यहाँ से जाएंगे, वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद होगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे अपने दोस्तों पर शेयर भी करें। और ज़िंदगी रही, फिर मिलते हैं नई दिन नई टॉपिक नई जगह के साथ। अभी यहाँ पर हम एक सेल्फी निकालेंगे और ग्रुप पिक निकालेंगे, वो दिखाते हैं एंड में। मेहरबानी सज्जन अंश में कहाँ जा रहे हो भाई? सीधा घर पे। Tá, mas o que é?